आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट होल्डर हैं, अगर अभी SBI का बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने बैंक का अगर UPI नंबर, आप अपने बैंक का UPI रेफरेंस नंबर, आप अपना ट्रांजैक्शन आईडी चेक करना चाहते हैं, तो आप अपना यहाँ पे UTR नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी कैसे निकाल सकते हैं, आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आपका जो UTR नंबर होता है हर UPI ट्रांजेक्शन पे आपको दिया जाता है, अगर आप पैसा सेंड कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं या फिर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, सभी में आपको UTR नंबर, आपका ट्रांजेक्शन आईडी दिया जाता है। तो UTR नंबर को ही ट्रांजेक्शन आईडी बोला जाता है, रेफरेंस नंबर बोला जाता है। तो आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का UTR नंबर, रेफरेंस नंबर आप कई जगह से निकाल सकते हैं, आप अपने पासबुक से चेक कर सकते हैं, आपके पासबुक में रहता है, आपका जो स्टेटमेंट आपको रिसीव होता है ईमेल आईडी पे उसमें भी आपका रहता है। तो अगर आपने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या फिर जितने भी UPI एप्स हैं, अगर आपने इन सब में भी अपना बैंक अकाउंट लिंक करके रखा है, फोन पे से आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका आपको एक UTR नंबर दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको अपना UTR नंबर कैसे चेक करना है। इसी तरीके से आप गूगल पे का भी कर सकते हैं, पेटीएम का भी कर सकते हैं और जितने भी अदर एप्स हैं आप उनका भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना एक ट्रांजेक्शन को ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट में पैसा रिसीव किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है अकाउंट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक UTR नंबर दिया गया है, 12 अंकों का यह UTR नंबर है। और आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, और भी जितने UPI ऐप्स हैं आप सभी में अपना UTR नंबर चेक कर सकते हैं और आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का UTR नंबर निकाल सकते हैं। और अगर आप इसका मोबाइल बैंकिंग चलाते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग जो YONO SBI होता है, अगर आप उसको चलाते होंगे तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन में आपका पूरा UPI रेफरेंस नंबर, आपका UTR नंबर दिया हुआ होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।